as all of you know, banking is becoming stressful day by day. But to relieve our stress, you believe it or not, my dear friend, every day when going back in car, either we hear Pankaj Udas ji or Anup Jalota ji or any one of your cassettes we put on. And so you are the indirect motivator for us. You are contributing to our life. You are our stress reliever. People say yoga, meditation. सबसे पहले तो खजाना के बारे में जानना चाहूंगा, क्या ये खजाना 13 साल से कितने खुश हो आप, कितने एक्साइटेड? खजाना एक जैसे मैंने मेरी इन वट एवर आई सेड मैं एड्रेस मैंने कहा कि खजाना एक मूवमेंट है, खजाना एक सेलिब्रेशन है, खजाना एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कि गज़लों से जुड़ा हुआ है। पिछले 13 साल से हम करते आए हैं ये खजाना, ये 13वां खजाना हो रहा है और जाहिर है कि हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं। मेरे साथी अनु भाई और तलत जी साथ में हैं, हम तीनों ने ये शुरुआत की थी 2002 में कि गज़ल जो गायकी है उसका कोई ऐसा मखसूस ऐसा कोई स्पेशल फेस्टिवल दुनिया में नहीं होता। तो ये पहली बार हमने डिसाइड किया, पहले हुआ करता था लेकिन बाद में फिर ये समझ लीजिए कि बंद ही हो गया था, तो उसको रिवाइव किया। और ख़जाना जो है वो कैंसर पेशेंट्स और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए चंदा इकट्ठे करने के लिए होता है। और इस साल का जो ख़जाना है उसमें हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये ख़जाना हम सिनेमा को डेडिकेट कर रहे हैं, गज़ल्स एंड नज़म्स इन सिनेमा। तो उसके बारे में अनूप भाई ज़रूर और कुछ कहना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि हमारे फिल्म के मशहूर प्लेबैक सिंगर्स भी इस बार हैं, क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री के जो 100 साल पूरे हुए हैं उस पर कुछ ना कुछ हम काम करेंगे, वो भी गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। तो उसमें हमारे साथ सोनू निगम हैं, सुरेश वाडकर हैं, साधना सरगम हैं, तो ये 3 फिल्म के मशहूर प्लेबैक सिंगर्स हैं। और अभी तक खजाना मेरा था, अब 13 हो गया है, 13 साल हो गए हैं। तो अब ये आप सबका है, अब ये खजाना 13 है, अब मेरा नहीं रहा। जहन में कैसे आया? हम तीनों बैठे हम बैठे थे, कैसे आया जहन में? नहीं हम तीनों जहन में कैसे आया, मतलब कैसी बात? नहीं तीनों साथ बैठे थे, साथ बैठे थे, बस एक ख्याल आया कि जो बंद हुआ था वो शुरू करें फिर से। अच्छा इसमें और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो उनके बारे में जानना चाहूंगा। बेटे वो तो है ही है, वो तो शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं कैंसर पेशेंट्स एसोसिएशन के लिए। ये जो भी सपोर्ट है, ये सबसे पहली बात बताऊं, ये हम तीनों ने शुरू किया, लेकिन मेहनत ये करते हैं हम, पीछे बैठकर आग बढ़ाते हैं और कुछ नहीं, वो अकेले से नहीं होता। सवाल है थोड़ा सा अलग से पूछ लेता हूं, ऐसा कोई वाकया हुआ या कोई ऐसा हुआ कि जिससे ये आप बात आते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ या फिर ऐसे बैठे बैठे नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं नहीं, उसकी वजह मैं है, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मैं पिछले और तलत भी हैं और अनूप, हम तीनों कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के साथ 1982 से जुड़े हुए हैं। तो ये संस्था हमें मालूम था कि बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके बाद फिर 1987 से मैं थैलेसीमिया के बच्चों के साथ जुड़ा, तो ये दोनों संस्थाएं बहुत ही अच्छा काम कर रही। तो हमने बैठ के ये सोचा कि एक मौके पर एक वक्त पर हमने सोचा तीनों ने बैठ के साथ में कि खजाना किया जाए ज़रूर, लेकिन क्यों किया जाए, भाई कोई वजह तो होनी चाहिए। तो वजह यह है कि हम खजाना करना चाहते हैं हमारी खुशी के लिए कि हमें गज़ल का एक फेस्टिवल करना है, लेकिन उसका कोई मकसद होना चाहिए। तो फिर हमने ये सोचा कि मकसद ये होना चाहिए कि इस वक्त हम लोग इस मकाम पे हैं कि हमें कोई ऐसा कमर्शियल तो वो इंटरेस्ट नहीं है कि पैसा बना लें खजाना करके। तो हमने